नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 एंड स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ऑपरेशन मेघ चक्र? ऑप्शन क्या है? इट इज अगेंस्ट चाइल्ड सेक्स अब्यूज, इट टारगेट्स ड्रग नेटवर्क विद इंटरनेशनल फूड प्रिंट्स, इट फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन, इट वॉज अ कोड नेम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन टू सीज कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर का कोड नेम था वो ऑपरेशन मेघदूत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट आंसर है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र वॉज लॉन्च बाई कौन किया था? तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू ऑर्डर टू क्रैक डाउन ऑनलाइन सर्कुलेशन शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जो ऑडियो विजुअल मटेरियल जो होते हैं माइनर्स के साथ में, बेसिकली माइनर्स के साथ में उनको जो सर्कुलेट कहा जा किया जा रहा था, उसके खिलाफ में ये मेघ चक्र ऑपरेशन लॉन्च किया गया बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो ऑपरेशन जो है वो टारगेट करेगा क्लाउड स्टोरेज को, और इसी से वो नाम पड़ा है मेघ चक्र का। वॉज यूज बाई द पेडलर्स टू सर्कुलेट द क्लाउड स्टोरेज से ही वो सर्कुलेट होता था ऑडियो विजुअल मटेरियल और इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज विद द माइनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू ललित ललित आदित्य मुक्त पीदा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ही बिलोंग्ड टू द करकोटा डायनेस्टी हु रूल्ड कश्मीर फॉर 725 टू 753 एडी। ये स्टेटमेंट सही है। ही बिल्ट द कैपिटल एट परिहसफोरा, ये भी सही है। ही बिल्ट द मार्तन टेम्पल, तो मार्तन टेम्पल भी, ये भी सही है। और मार्तन टेम्पल लॉर्ड सन मतलब सूर्य भगवान को समर्पित है। कल्हाना रूट रजत रागिनी, ये तो स्टेटमेंट सही है। अ मेजर हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री बिलोंग टू हिज रेन, तो ये ललित आदि के रेन का नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो यही आंसर करेक्ट होगा। सम पिलग्रिम्स ऑफर प्रेयर्स इनसाइड मार्तन टेम्पल्स, उसके बाद क्या हुआ? एक मार्तन टेम्पल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद हुआ कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहाँ पर पूजा करने आए थे। कौन पार्टिसिपेटेड इन नवग्रह अष्ट मंगलम पूजा ऑन द प्रेमाइसिस, जबकि एएसआई ने ऐसा कोई परमिशन दिया नहीं था। अ मेजर हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री रिमेन्स रजत रागिनी, जो कि लिखा गया था 12 से 13 सेंचुरी के आसपास में लिखा गया था बाई कल्हाना। तो ये ललित आदित्य मुक्तपीदा के पीरियड में तो नहीं हुआ था, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। ये एक फोटो है मार्टिन टेम्पल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल मूवमेंट एंड हिस्ट्री। अलूरी सीताराम राजू एंड कोमाराम भीम वेयर 20th century रेवोल्यूशनरी हु लेड ट्राइबल पीपल इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द निजाम। तो ये स्टेटमेंट सही है। द रंपा रिवेलियन कोइंसाइडेड विद द महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 बैंड द कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज रूट्स एंड लीव्स, द ट्राइबल पीपल वर फोर्स्ड इनटू लेबर बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमें नॉट करेक्ट चूज करना है, जो कि ऑप्शन नंबर टू ओनली बी जो है वो सही होगा। तो रिसेंटली आरआर मूवी के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर्स मिला था। तो जो ये मूवी थी वो इन्हीं दो फ्रीडम फाइटर से इंस्पायर्ड थी। जो सीताराम राजू का जो रोल प्ले कर रहे थे वो रामचरण थे, और कुमारन भीम का जो प्ले कर रहे थे जूनियर एनटीआर थे। वो एक इस फिल्म में वो एक ट्राइबल थे, किंतु राजू एक ट्राइबल पर्सन नहीं थे, ठीक है। तो ये मूवी उससे इंस्पायर की गई है। कॉलोनियल रूल थ्रेटेंड द ट्राइबल ट्रेडिशनल पोडू, पोडू एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन
आज जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम प्रैक्टिस होता है स्लैश एंड बोन एग्रीकल्चर, उस तरह से पोडू आंध्र प्रदेश रीजन में है। व्हेन द ट्राइबल्स वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाई मोटाडस, मोटाडस को विलेज हेडमैन कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको ये काम दिया जाता था कि ताकि लोकल जो ट्राइबल्स उनसे रेंट वसूल किया जा सके। द न्यू लॉज एंड स्कीम थ्रेटन्ड देयर वे ऑफ लाइफ एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो इनका जो लाइफ था, जो ट्राइबल लोगों का लाइफ था, बहुत खराब होने लगा था लॉस फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 पास होने पे। रंपा रिवोल्यूशन कोइंसाइडेड विद द महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू द न्यू नेवी फ्लैग ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल एम्बलम इज एनकम्पास्ड बाई ए स्क्वायर शील्ड एंड इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट फोर डायरेक्शन। तो इसमें जो है फोर डायरेक्शन नहीं है, वो एट ऑक्टेगनल डायरेक्शन है। तो ये बिफोर था, ये पहले एक सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था जो कॉलोनियल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसे हटा दिया गया है। जो तिरंगा हमारा लेफ्ट राइट लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है, और ये ऑक्टागोनल शील्ड है जो कि शिवाजी महाराज के टाइम से बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है। इट फीचर्स द नेशनल एम्बलम विद ट्राइकलर ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्लैग। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि फ्लैग लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है, लेफ्ट अप में है कि डाउन में है, तो ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नेशनल एम्ब्लेम इज एनकम्पास्ड बाय ऑक्टागोनल शील्ड एंड सिट अटॉप एन एंकर। जो एंकर हो गया वो नेवी का होता है, और ऑक्टागोनल शील्ड है तो वो डेमोन्स्ट्रेट करता है एट डायरेक्शंस के, रिप्रेजेंट एट डायरेक्शन सिंबलाइजिंग मल्टी डायरेक्शनल रीच एंड मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, द न्यू नेवल फ्लैग वॉज अनवील्ड ड्यूरिंग द कमीशनिंग ऑफ INS विक्रांत, फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये जो सील है, ऑक्टोगोनल सील है, वो एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। एंड ये क्या डिपिक करता है, तो स्टेड फास्टनेस मतलब डिटर्मिनेशन ये डिपिक करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन नेवी डे हम लोग किस दिन को मनाते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन फॉर कैलकुलेटिंग द स्कोर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ऑप्शंस हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, बर्थ रेट, चाइल्ड स्टंटिंग। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग तो यूज्ड है इंडिकेटर्स, लेकिन बर्थ रेट नहीं है। बर्थ रेट की जगह आता है चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है टू डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल डायमेंशन ऑफ हंगर ओवर द टाइम। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो फोर इंडिकेटर्स है इनसे प्रिपेयर किया जाता है। अंडर नरिशमेंट है पहला, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विथ इनसफिशियंट कैलोरी इनटेक। लेट सपोज अगर किसी बच्चे को 1000 कैलोरी चाहिए, अगर उसे 1000 कैलोरी ना मिल रहा हो तो वो अंडर नरिश्ड होगा। चाइल्ड स्टंटिंग, अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, एज के कंपैरिजन में हाइट उतनी नहीं है, तो उसे चाइल्ड स्टंटिंग कहा जाता है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का। फिर चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब हाइट के कंपैरिजन में वेट जो है बहुत कम है, रिफ्लेक्टिंग क्या करता है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। फिर चाइल्ड मोर्टिलिटी क्या होता है, तो द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, मतलब 1 साल के अंदर ही चाइल्ड का डेथ हो जाता है, पार्टली रिफ्लेक्टिंग द फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काथलूर बतवाडा वेलुथुली रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग। इट इज अ वैरायटी ऑफ गार्लिक व्हिच इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, केरला, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्पेसिफिक जो गार्लिक है उसे
जी आई टैग मिला है। तो ये कहाँ का है? कांथेलूर इज अ रेन शैडो, एक जगह का नाम है, रेन शैडो विलेज ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स लाइंग नियरली 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुन्नार वैली जो केरला में है। कांथेलूर वटावडा गार्ड लेक इज नोन फॉर इट्स पंजेंसी एंड मेडिकल प्रॉपर्टीज भी है। इट हैज एलिसिन कंटेंट विच गिव्स गार्लिक इट्स यूनिक पंजेंसी एंड फ्लेवर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू दियर स्टेट्स। बोनालू असम, सांगाई तेलंगाना, अंबुबाची मणिपुर, लुसोंग सिक्किम। तो बोनालू जो है वो असम में नहीं है, वो है तेलंगाना में है, तो टू होगा। फिर सांगाई जो है वो मणिपुर में है, थ्री होगा। अंबुबाची जो असम में है, लुसोंग जो है वो सिक्किम है, 2, 3, 1, 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। तो बोनालू के बारे में देख लेते हैं, वो तेलंगाना का एक फेस्टिवल है। द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली। द फेस्टिवल गॉट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड बोनम विच मीन्स मील और द फास्ट इन तेलुगु लैंग्वेज में मील कहा जाता है। फिर सांगाई जो है मणिपुर का फेस्टिवल है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द फेस्टिवल ऑफ वननेस टू एनकरेज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड प्राइड इन ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड अमंग द पीपल। तो ये ट्राइबल, मोर और लेस ट्राइबल काइंड ऑफ फेस्टिवल है। अंबुबाची ये बहुत फेमस मेला भी लगता है असम में। अंबुबाची मेला इज हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र। द टेम्पल ऑल्सो नोन एज अमोटियो तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इज सेलिब्रेशन ऑफ द ईयरली मेंसुरेशन कोर्स ऑफ गॉडेस कामाख्या। तो ये फर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है इस मंदिर का। लुसोंग फेस्टिवल जो वो सिक्किम का है। लुसोंग इज सेलिब्रेटेड यूजली द टाइम एंड द फार्मर्स रिजॉयस एंड सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट। और इस फेस्टिवल में ब्लैक हैट डांस होता है, टेक्स प्लेस एट द फेस्टिवल कॉमेमोरेटिंग, क्या डिपिक्ट करता है, विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर एविल। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो भी फेस्टिवल होता है वो यही संदेश देता है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। इट इज अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा विच वाज बिल्ट बाय किंग जगती खेसरी इन द 10th सेंचुरी एंड कंप्लीटेड बाय किंग ललितेंदु खेसरी इन द 11th सेंचुरी। दिस ग्रेट टेम्पल रिप्रेजेंट द क्विंटेसेंस ऑफ द कलिंगा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमें मेंशन डिस्क्रिप्शन कौन से मंदिर के बारे में कह रहा है? श्री पद्मस्वामी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, वेंकटेश्वरा टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगराज टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। बिगेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट वॉज बिल्ट बाई स्टार्ट कौन किया था? तो किंग जगती केसरी इन 10th सेंचुरी, कंप्लीटेड बाई द किंग ललितेंदु केसरी इन द 11th सेंचुरी। तो शुरू कोई और किया था, कंप्लीट कोई और किया है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। द मेन स्पायर इज 54 मीटर हाई, जो गर्भगृह कहा जाता है। बेसाइड देर इज अ पिलर्ड हॉल, ए डांसिंग हॉल जिसे नाट्य मंडप कहा जाता है, एंड अ हॉल फॉर सर्विंग ऑफरिंग्स, भोग मंडप जहाँ पर प्रसाद मिलता है। वर्ल्ड कैंपस वॉज अबाउट होल्ड एज अबाउट 50 स्मॉलर श्राइन्स। बहुत सारे अन्य देवी देवताओं का भी पूजा होता है, जिनमें माता पार्वती का भी पूजा होता है। द टेम्पल इज रिप्रेजेंट द कलिंगा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंगराज टेम्पल। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए मोस्टर्न क्लासेस को ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।